दीपों की रोशनी में जगमग संसार, मुबारक हो आपको दीपावली का त्योहार। हवा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सुरक्षित दीपावली मनाएं। आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा। 18 वर्ष पूरे कर चुके लोगों को वोटर बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नागरिकों से की अपील। कहा, सावधानी पूर्वक जलाए पटाखे, रहे सुरक्षित व सतर्क। किसी तरह की समस्या होने पर डायल 112 को दे सूचना। रोशनी के पर्व दीपावली पर सदर सांसद, नगर विधायक, ग्रामीण विधायक व महापौर ने जनपद व देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, पटाखों का करे कम इस्तेमाल, रहे सतर्क और सुरक्षित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पंचायती राज विभाग, मनरेगा और परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी ने शाहपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। बीट पुलिस अधिकारियों से क्षेत्र की समस्याओं से हुए अवगत। जनप्रतिनिधियों से की संवाद, समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। दीपावली पर्व पर एडीजी जोन, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी रेलवे, नगर आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष, सीपीआरओ, एसपी सिटी, एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी नॉर्थ व मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी मंडल एवं जनपद वासियों को दी हार्दिक बधाई। सभी के सुख समृद्धि की कामना। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के राइस मिलर्स की बैठक। समय से धान की कुटाई शुरू करने पर बनी सहमति। दीपावली के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बेतिहाता स्थित चंद्रलोक कुश आश्रम के बच्चों व उनके परिजनों में फल, मिठाई व दिए, मोमबत्ती का किया वितरण। दीपावली की दी बधाई व शुभकामना। पुलिस चौपाल में एसपी सिटी सोनम कुमार ने सुनी कोतवाली थाने पर लोगों की फरियाद। संबंधित अधिकारियों को दिया समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। नगर पंचायत उनवल के चेयरमैन उमा शंकर निषाद ने क्षेत्र और देशवासियों को दी दीपावली व छठ पूजा की शुभकामना। कहा, आपसी भाईचारे के साथ मनाए दीपावली और छठ का पर्व। और बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 29 केंद्रों पर मात्र 2007 लोगों को किया गया वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 1525 और सेकेंड डोज लेने वालों में 482 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का।